नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे राजस्थान की तीसरी पार्टी वह वागड़ की क्षेत्रीय पार्टी भारत आदिवासी पार्टी जो पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ रही है, कितने राज्यों में लोकसभा चुनाव लड़ रही है, इस पार्टी को कौन से राज्य में जनादेश मिल रहा है, भारत आदिवासी पार्टी को कितनी सीटें मिल रही हैं, पूरी जानकारी इस वीडियो में। सभी साथियों से अनुरोध रहेगा कि वीडियो को पूरा देखें और वीडियो को शेयर जरूर करें। प्रत्येक सीट का विश्लेषण इस वीडियो में। भारत आदिवासी पार्टी राजस्थान के 6 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ रही है। सबसे पहले बात करते हैं बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा सीट की, जहां बीजेपी से महेंद्रजीत सिंह मालवीय, कांग्रेस गठबंधन से भारत आदिवासी पार्टी से राजकुमार रोत चुनाव लड़ रहे हैं। भारत आदिवासी पार्टी ने पहले ही अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी थी, लेकिन कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार नहीं उतारा। आखिर समय में अरविंद डामोर को नामांकन दाखिल करने बोला, आपसी भेद के कारण पार्टी से निष्कासित कर दिया। इंडिया गठबंधन से बीजेपी को समर्थन मिल गया, जिसके बाद राजकुमार रोत का पलड़ा भारी है। ये सीट भारत आदिवासी पार्टी के पक्ष में जा रही है। उदयपुर लोकसभा सीट, बीजेपी से मन्ना लाल रावत चुनाव लड़ रहे हैं, कांग्रेस से ताराचंद मीणा चुनाव लड़ रहे हैं, भारत आदिवासी पार्टी से प्रकाश चंद बुज मैदान में हैं। इस सीट पर त्रिकोणीय संघर्ष है, तीनों के बीच कांटे की टक्कर है, लेकिन आदिवासी बहुल्य क्षेत्र होने के कारण यहां से प्रकाश चंद बुज का पलड़ा भारी दिख रहा है। ग्राउंड रिपोर्ट के अनुसार बीजेपी व बीजेपी के बीच भारी टक्कर होगी। चित्तौड़गढ़ लोकसभा सीट, बीजेपी से सीपी जोशी चुनाव लड़ रहे हैं, कांग्रेस से उदयलाल आंजना चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि भारत आदिवासी पार्टी से मांगीलाल निमामा चुनाव लड़ रहे हैं। यहां बीजेपी ने दोनों पार्टियों का समीकरण बिगाड़ दिया है, जिसके बाद त्रिकोणीय संघर्ष देखने को मिल रहा है। यहां कांग्रेस व भारत आदिवासी पार्टी के बीच कांटे की टक्कर है। आदिवासी बहुल्य क्षेत्र होने के कारण भारत आदिवासी पार्टी का पलड़ा भारी दिखता हुआ नजर आ रहा है। सवाई माधोपुर लोकसभा सीट, भारत आदिवासी पार्टी से जगदीश प्रसाद मीणा चुनाव लड़ रहे हैं, त्रिकोणीय संघर्ष में बीजेपी व कांग्रेस के समीकरण बिगाड़ रखे हैं। ये सीट बीजेपी के पक्ष में जाती हुई दिख रही है। पाली लोकसभा सीट, जीवाराम भील चुनाव लड़ रहे हैं, यहां बीजेपी के उतरने के बाद दोनों पार्टियों के समीकरण बिगड़ गए हैं। यहां एक बार बीजेपी जीत रही है तो दूसरी बार कांग्रेस जीत रही है। मध्य प्रदेश की रतलाम लोकसभा सीट, बीजेपी से अनीता चौहान चुनाव लड़ रही है, जबकि कांग्रेस से कांतिलाल भूरिया चुनाव लड़ रहे हैं, भारत आदिवासी पार्टी से बालू सिंह गांबड़ चुनाव लड़ रहे हैं। झाबुआ अलीराजपुर रतलाम लोकसभा सीट पर आदिवासी बहुल्य क्षेत्र होने के कारण ये सीट भारत आदिवासी पार्टी के पक्ष में आती हुई दिख रही है। यहां से बालू सिंह गांबड़ का पलड़ा भारी दिखता हुआ नजर आ रहा है। जालौर लोकसभा सीट, जहां से ओटाराम मेघवाल भारत आदिवासी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, बीजेपी के उतरने से कांग्रेस व बीजेपी की नींदें उड़ गई हैं। दोनों के समीकरण में बड़ा बदलाव आया है, यहां से कांग्रेस का पलड़ा भारी दिख रहा है। धार लोकसभा सीट, जाम सिंह निमामा भारत आदिवासी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, यहां से कांग्रेस का पलड़ा भारी दिख रहा है। बैतूल लोकसभा सीट, जहां से भारत आदिवासी पार्टी ने अपना उम्मीदवार मैदान में उतारा, बीजेपी से अनिल उइके चुनाव लड़ रहे हैं, इनके प्रभाव से बीजेपी का समीकरण बिगड़ा, यहां से कांग्रेस हावी हो रही है। मंडला लोकसभा सीट, जहां से चरण सिंह दुर्वे भारत आदिवासी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, यहां इनके मैदान में उतरने से बीजेपी व कांग्रेस का समीकरण बिगड़ गया, बीजेपी ने दोनों पार्टियों की नींदें उड़ा दी हैं। यहां भारत आदिवासी पार्टी ने त्रिकोणीय संघर्ष बना दिया है, चरण सिंह दोनों पार्टियों को भारी टक्कर दे रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्ट के अनुसार शरण सिंह का पदड़ा भारी दिख रहा है। दमोह लोकसभा सीट, मन्नू सिंह मारावी भारत आदिवासी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन यहां बीजेपी का पदड़ा भारी दिख रहा है। भरूच लोकसभा सीट, जहां से भारत आदिवासी पार्टी के दिलीप बसावा चुनाव लड़ रहे हैं, बीजेपी के उतरने से बीजेपी का समीकरण बिगड़ा, यहां से दिलीप बसावा का पदड़ा भारी दिख रहा है, ये सीट भारत आदिवासी पार्टी को मिल रही है। दाहोद लोकसभा सीट, जहां से अरविंद वसैया चुनाव लड़ रहे हैं, यहां से बीजेपी के उतरने से त्रिकोणीय संघर्ष हो गया है, यहां बीजेपी का पदड़ा भारी दिख रहा है। अगली लोकसभा सीट है दादरा नगर हवेली, जहां से भारत आदिवासी पार्टी से दीपक भाई चुराना चुनाव लड़ रहे हैं, त्रिकोणीय संघर्ष में दीपक भाई का पलड़ा भारी दिख रहा है, ये सीट बीजेपी के पक्ष में आती हुई दिख रही है। छत्तीसगढ़ की सरगुंजा लोकसभा सीट, जहां से भारत आदिवासी पार्टी के जयराम मीच चुनाव लड़ रहे हैं, आदिवासी बहुल्य क्षेत्र में बड़ा दमखम दिखा रहे हैं, आदिवासियों पर हो रहे अत्याचार को लेकर इस बार वोट की शॉट से लोग जवाब देंगे, यहां भारत आदिवासी पार्टी का पलड़ा भारी दिख रहा है, ये सीट बाप के पक्ष में आ रही है। महाराष्ट्र राज्य में 5 लोकसभा सीटों पर भारत आदिवासी पार्टी चुनाव लड़ रही है, पालघर से मोहन दुबे जो बड़ा दमखम दिखा रहे हैं, डिंडोरी लोकसभा सीट से शिवाजी धर्मा भारत आदिवासी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, जिनके उतरने से कई पार्टियों की नींदें उड़ गई हैं, लेकिन यह कांग्रेस का पलड़ा भारी दिख रहा है। चिरूर लोकसभा सीट, जहाँ से लक्ष्मण राम भाऊ चुनाव लड़ रहे हैं, यहाँ भारत आदिवासी पार्टी को बड़ा जनादेश मिल रहा है, ये सीट बीजेपी के पक्ष में आती हुई दिख रही है। रावेर लोकसभा सीट, जहाँ दयाराम भील चुनाव लड़ रहे हैं, यहाँ भारत आदिवासी पार्टी के उतरने से बीजेपी व कांग्रेस की गणित बिगड़ गई है, ये सीट कांग्रेस के पक्ष में
में जाती हुई दिख रही है। नंदुरबार लोकसभा सीट जहां बीजेपी के रविंद्र वल्लभी चुनाव लड़ रहे हैं, क्षेत्रीय तौर पर लोकप्रिय होने के कारण अपने क्षेत्र में बड़ा दमखम दिखा रहे हैं। ये सीट भी बीजेपी के पक्ष में आती हुई दिख रही है। आंध्र प्रदेश राज्य जहां दो लोकसभा सीटों पर भारत आदिवासी पार्टी चुनाव लड़ रही है। अरूक लोकसभा सीट जहां राजा बाबू चुनाव लड़ रहे हैं, बीजेपी के उतरने से त्रिकोणीय मुकाबला, कांटे की टक्कर है लेकिन कांग्रेस हावी हो रही है। इलरू लोकसभा सीट जहां तेलम रवि प्रसाद चुनावी मैदान में है, यहां बीजेपी का बड़ा संघर्ष सामने आया है। क्षेत्रीय वोटर्स में अच्छी पकड़ होने के कारण ये सीट बीजेपी के पक्ष में आती हुई दिख रही है। झारखंड राज्य में तीन लोकसभा सीटों पर भारत आदिवासी पार्टी चुनाव लड़ रही है। जमशेदपुर लोकसभा सीट जहां से सुकुमार सोरेन भारत आदिवासी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, यहां झारखंड मुक्ति मोर्चा का इंडिया के साथ गठबंधन, यहां से सुकुमार सोरेन हावी होते हुए दिख रहे हैं। ये सीट बीजेपी के पक्ष में आ रही है। झारखंड मुक्ति मोर्चा बड़ी टक्कर दे रहा है। यह आदिवासी बहुल्य राज्य है जहां हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री थे, उन्हें झूठे केस में फंसाकर जेल में डाला गया। लोहर दंगा लोकसभा सीट जहां से भारत आदिवासी पार्टी से मरिया लाल तिंगा लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं, ये सीट इंडिया गठबंधन के पक्ष में जाती हुई दिख रही है। अगली खूंटी लोकसभा सीट जहां से बबीता कंचप भारत आदिवासी पार्टी से चुनाव लड़ रही है, बीजेपी के उतरने से यह चतुर्थकोणीय मुकाबला हो गया है। खूंटी लोकसभा सीट भारत आदिवासी पार्टी के पक्ष में आती हुई दिख रही है। यहां बबीता कंचप का पलड़ा भारी दिख रहा है। भारत आदिवासी पार्टी 9 राज्यों के 25 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जहां 13 लोकसभा सीटें भारत आदिवासी पार्टी के पक्ष में आती हुई दिख रही है। दोनों पार्टियों को कड़ी टक्कर दे रही है। लोकसभा चुनाव में पहली बार उतरी भारत आदिवासी पार्टी दोनों राष्ट्रीय लेवल की पार्टियों की नींद उड़ा दी है। फर्स्ट बार 25 लोकसभा सीटों पर उतरी पार्टी दोनों पार्टियों को कड़ी टक्कर दे रही है। भारत आदिवासी पार्टी का दमखम देखकर कांग्रेस को बांसवाड़ा में समर्थन देना पड़ा। भारत आदिवासी पार्टी 25 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ रही है, 4 बीजेपी के खाते में जा रही है, जबकि 8 सीटें कांग्रेस को मिल रही है। 13 सीटों पर भारत आदिवासी पार्टी का पलड़ा भारी है। आपके अनुसार भारत आदिवासी पार्टी कितनी सीटें जीत रही है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।